हेलो बच्चों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी को, ठीक है, जो ऑफिशियल मॉडल सेट है जो कि 12वीं का, वो हिस्ट्री का, आज हम उसे देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल, ठीक है। तो हम लोग किस विषय का आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव? हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आपके लिए, तो आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें पूरा अंत तक से, ठीक है। देखिए, ये सारा जितने भी निर्देश है, परीक्षार्थी परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ये सब जितने भी निर्देश है उसे जरूर आप पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो ये जरूर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमको दिया गया रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से हमको 50 प्रश्नों को ही उत्तर देना है, ठीक है। चलते हैं, तो अब हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था, ठीक है। तो देखो, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था, तो वो टीला था हड़प्पा का टीला, ठीक है। इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। एक प्रश्न ये भी आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप जरूर बताइएगा कि रावी नदी के किनारे है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूं, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, ठीक है, पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। पुराविद का मतलब जो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, ठीक है, उस पर जो उस पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अपनी राय रखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, उसे हम पुरावीद कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन पुरावीद थे? तो वो पुरावीद थे अर्नेस्ट मैके। कौन थे बच्चे? अर्नेस्ट मैके, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न ये है कि राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो देखो, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी की अगर बात कर दी जाए ना, तो वो हो जाएगा हड़प्पा, और ये काम हुआ था 1921 में, ठीक है। लेकिन राखल दास बनर्जी की अगर बात आ जाए, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, और वो उत्खनन करवाए थे 1922 में, ठीक है। तो इस तरह से राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है। तो गोदीबाड़ा एक बंदरगाह था, ठीक है, और ये बंदरगाह के लिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा स्थल था, मैं आपको बता दूं। ए में है कालीबंगा, बी में है रोपड़, सी में है बनावली और डी में है लोथल। तो ये लोथल जो है, ये बंदरगाह शहर था, ठीक है। तो इसे जरूर आप याद रखेंगे, लोथल गुजरात में पड़ता है बच्चे, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए, यहां पर लिखा भी है 5 नंबर कि लोथल कहां स्थित है, तो हमने बताया ही कि लोथल जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो 5वां का उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के जो किनारे था वो था मोहनजोदड़ो था, ठीक है बच्चे। कौन था? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगर रावी नदी के किनारे बोले तो हड़प्पा बता दीजिए, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा जो है वो भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की तरफ। तो 7 कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और डी में है जॉन मार्शल। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है ना, वो कनिंघम को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखें कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो कनिंघम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। देखिए,
प्रश्न संख्या जो 8 है वो हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित था। तो भाई हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी की बात कर दे तो सीधी सी बात है कि हड़प्पा लगा देंगे, लेकिन जब सिंधु नदी की बात कर दे तो मोहनजोदड़ो लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर हड़प्पा हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कहता है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार की अगर बात हो ना, तो वो या विशाल स्नानागार की बात हो या आप अन्नागार की बात कर सकते हैं, तो ये जो मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था। कहां मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। क्लियर। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कहता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न तो ये प्रश्न में से भी एक प्रश्न निकल सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वो कहां हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि कलकत्ता में हुई थी, है ना। पहले जो था कलकत्ता जो था वो इस तरह से जो हम देख रहे हैं पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल, तो इस तरह तो बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था ना। ठीक है, तो जो पूर्वी बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो कि हम लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो देखिए कलकत्ता में एशियाटिक जो सोसाइटी है वो उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1784 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी बच्चे? 1784 में हुई थी, इसे जरूर याद रखें। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10-11 की ओर। कहते हैं कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। देखिए फिर से पढ़ते हैं, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अशोक और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये काम जो था ना ये अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये 11 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो 12 कहता है कि सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो ये इसे जरूर याद रखें कि सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का यानी पराजित करने का जो श्रेय अगर किसी शासक को जाता है तो वह है स्कंद गुप्त। ठीक है, कौन है वह? स्कंद गुप्त है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कहता है किस शिला लेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। ठीक है, तो देखो किस शिला लेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो वो चलता है 13वें शिला लेख से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक के द्वारा कलिंग विजय जो था ये एक अंतिम युद्ध माना जाता है। ठीक है, अंतिम युद्ध में, फिर से बोल रहा हूं, अशोक का अगर ये प्रश्न किया जाए कि अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो कलिंग था। ठीक है, और कलिंग युद्ध जो था वो उसमें विजय मिली थी उनका। ठीक है, तो ये इसे याद रखना। उसके बाद अशोक जो है ना वो युद्ध करना ही बंद कर दिए थे। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, तो देखो कौटिल्य, कौटिल्य को हम लोग विष्णु गुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई कौटिल्य जो थे, चाणक्य जो थे, विष्णु गुप्त में तीन नाम, तीन व्यक्ति नहीं है, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णु गुप्त, ठीक है, इसे जरूर याद रखे। और ये जो व्यक्ति था कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ठीक है, इसे जरूर याद रखें। और इनके द्वारा लिखा गया था वो पुस्तक वो था अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक मतलब जो है, ये जो पुस्तक है हम कह सकते हैं कि ये पुस्तक राजनीति से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है यह राजनीतिक शास्त्र से यानी राजनीति से, मतलब ऐसे प्रश्न किया जाएगा। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक अर्थशास्त्र है उसका संबंध किस विषय से है, तो आपको बताना है कि उसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, और अगर मेघदूत की बात की जाए तो मेघदूत वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इंडिका की बात की जाए तो वो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने लिखा है। ठीक है, और मालविकाग्नि मित्र जो है ये भी
किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो मेघदूत और मालविकाग्नि मित्र जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया, और इंडिका इंडिका जो है वो मेघास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 कहता है निम्नलिखित में से मेघास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। देखिए प्रश्न तो आ गया कि मेघास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो भाई मेघास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उस पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। कौन सा पुस्तक है? इंडिका है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखें अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है वो कालिदास है, ठीक है। मालविकाग्नि मित्र के लेखक भी कौन है? कालिदास है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है, ठीक है। इसे जरूर याद रखें आप। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिए प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, ये प्रश्न है। तो देखो सभी बच्चों को मैं बता दूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति जो है अभिलेख, ये जो है समुद्र गुप्त जो थे उनके जो दरबारी थे, दरबारी कवि हरिशयन, उनके द्वारा लिखा गया था। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्र गुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो समुद्र गुप्त के दरबारी कवि कौन कौन था? तो हरिशयन था। इसे जरूरी आप याद रखेंगे। 17 का हो गया बी नंबर। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो 18 कहता है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो भाई अर्थशास्त्र एवं इंडिका से जो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो मेघास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो दोनों पुस्तक है ये मौर्य वंश की जानकारी देते हैं बच्चे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये कौटिल्य थे, चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, तीनों एक ही नाम है, ये याद रखेंगे, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और इंडिका जो था वो मेघास्थनीज के द्वारा लिखा गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सिंपल सी बात है कि ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। 18 का ए होगा। अब हम चलते हैं 19 नंबर कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो देखो बच्चे उपनिषदों की जो संख्या होती है ना वो 108 है, इसे जरूर याद रखो। अगर वेदों की संख्या पूछे तो आप बताना कि वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। अगर पुराणों की संख्या पूछे तो पुराणों की संख्या बताना 18 है, कितना है? 18 है। लेकिन उपनिषदों की संख्या पूछे तो 108 है, इसे जरूर बताना, ठीक है। अब हम चलते हैं 20 नंबर। तो फाहियान जो है वो किसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था, एक प्रश्न तो यहां से भी बन सकता है, ठीक है। और ये जो फाहियान है ना वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, मतलब कि शासन काल में आया हुआ था, ठीक है। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न ये है कि मेघास्थनीज जो है वो कौन था। मैंने पहले ही बोला कि मेघास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था, उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, वो यूनान का राजदूत था, ठीक है। तो अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि वो यात्री था कि व्यापारी था कि गुलाम था कि राजदूत था, तो आपको पता चलेगा कि वो एक राजदूत था। इसका सी नंबर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, सी नंबर। अब हम चलते हैं 22 नंबर कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो मैं आपको बता दूं कि पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वो चांदी के भी बने होते थे, ठीक है, और तांबे के भी बने होते थे। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। अब हम चलते हैं 23 नंबर कि भीष्म को और क्या कहा जाता था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है, भीष्म को देवव्रत भी कहा जाता है, भीष्म को पितामह भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, गंगा पुत्र कहा जाता था। बच्चे पार्थ तो अर्जुन को कहा जाता था और मधुसूदन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। तो ये 23 का आंसर बी नंबर होगा। 24 कहता है अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु जो थे ना वो जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। और हाँ, अगर पांचों पांडवों का नाम पूछे ना तो आप बता देना कि पहला युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, ये पांचों पांडवों का मतलब पांडवों का नाम हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 25 नंबर कि द्रौपदी द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था। सबको पता है कि भाई द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था अर्जुन, ठीक है। इसका सही जवाब है बी नंबर, ठीक है।
कौरवों की 26 नंबर, कौरवों की संख्या कितनी थी? तो मैं आप सभी को बता दूं, कौरवों की संख्या 100 थी, वे 100 भाई थे और एक बहन थी, ठीक है। तो कौरवों की संख्या जो थी वो 100 थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? अरे भाई, महाभारत की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं 28 नंबर, कि ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो भाई ऋग्वेदिक लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। देखो ऋग्वेदिक जो है ना, ये वैदिक काल में जो है ना वेदों की रचना हुई थी, ये थोड़ा सा याद हो जाता है मुझे कि ये ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे, ये प्रकृति की बताना। और थोड़ा सा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों से भी कभी प्रश्न पूछे तो आप जरूर बता दीजिए कि वेदों की संख्या 4 होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ, देखिए 29 नंबर है कि नाथ मुनि का संबंध किससे? भाई नाथ मुनि का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, ठीक है, जैन धर्म, ठीक है, ये याद रखे, जैन धर्म। और जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जो हुए हैं वो कुल तीर्थंकर 24 हुए हैं, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? स्वयं महावीर स्वामी थे, ठीक है। अब हम चलते हैं 30 की तरफ, 30 नंबर है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? तो भाई सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ये पीटक का मतलब ज्ञान की टोकरी। तो बताओ भाई, इतना चीजें मैंने बता दी तो ये कौन से धर्म से है? बौद्ध के, हिंदू के, जैन के, इस्लाम? तो भाई ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम चलते हैं प्रश्न के 31 की तरफ, कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भाई महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था बच्चे? सिद्धार्थ है, इसे जरूर याद रखे। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा गया, ठीक है। चलते हैं 32 की तरफ, बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। तो भाई देखो, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के समय हुई थी। द्वितीय पूछ दे तो काला अशोक बता दीजिए, तृतीय पूछ दे तो अशोक के बता दीजिए, चतुर्थ पूछ दे तो कनिष्क के बारे में बता दीजिए। तो कुल बौद्ध संगीति 4 हुई थी, जिसमें प्रथम जो हुई थी वो अजात शत्रु के समय हुई थी, ठीक है। ये 483 में शायद हुई थी, और ये काला अशोक के समय 383 में हुई थी, और अशोक के समय 255 BC में, ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, बीसी में बोल रहा हूं, ईसा पूर्व बोल रहा हूं, ठीक है। और कनिष्ठ के समय में जो है वो 1 ईस्वी में हुई थी, ये इसे जरूर याद रखे आप। अब हम चलते हैं 33 की तरफ, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? ठीक है, तो भाई महावीर ने जो है पहले पार्श्वनाथ के मतलब कुल 4 सिद्धांत थे, तो महावीर ने एक पांचवा सिद्धांत जोड़ा था, और वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो कुल 5 सिद्धांत हो रहे थे, एक अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एक अस्तेय था जिसका मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है। और अहिंसा तो समझते ही, सत्य भी समझते, अपरिग्रह का मतलब कि धन इकट्ठा नहीं करना है। तो ये जैन धर्म के 5 सिद्धांत जरूरी से याद रखे आप, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ, कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? भाई ये अशोक ने की थी, ठीक है, अशोक। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके क्या बोलेंगे हम, मतलब दादाजी बोलेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के बेटे थे कौन? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था? अशोक था, ठीक है। अब हम चलते हैं 35 की तरफ, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो भाई बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, ठीक है। कालिदास ने नहीं की थी, बाणभट्ट में ही नहीं थे, बाणभट्ट ने कादंबरी रचना की थी, कालिदास ने तो मैंने ऊपर बताया ही था। चाणक्य ने किसकी रचना की थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी, इसे जरूर याद रखे। 36 का बी नंबर होगा, ठीक है। 37 नंबर, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? भाई पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और ये तो हमारे बिहार से रिलेटेड है ये जगह, तो ये जैन से है, ठीक है। 37 का बी नंबर सही है। अब हम चलते हैं 38, कादंबरी, देखिए कादंबरी याद है ना, तो कादंबरी के लेखक आपको कौन किसमें चुनिए? अगर बाणभट्ट की, कालिदास की, कौटिल्य की, अश्वघोष, तो ये बाणभट्ट ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ, तो बासवन्ना किस आंदोलन से को शुरू किए थे? ठीक है, तो देखो बच्चे, बासवन्ना जो थे ना वो लिंगायत आंदोलन को शुरू किए थे, ठीक है, ये इसे जरूर याद रखे, लिंगायत आंदोलन। ये कर्नाटक में बड़ा ये धर्म प्रचलित, मतलब ज्यादा फेमस है ये लिंगायत, ठीक है। और ये वीर शैव लिंगायत
थोड़ा अलग होता है, लेकिन बसवन्ना जो थे वो लिंगायत आंदोलन को शुरू किए थे, ठीक है? इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है? अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। 40 कहता है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो भाई आईने अकबरी जो अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल थे उनके द्वारा लिखा गया था, तो ये तो 5 भागों में विभक्त था, ठीक है? 41 है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसे जरूर याद रखे, 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है? और 42 है टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो टोडरमल जो देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है? तो 9 रत्नों में से टोडरमल भी था, और टोडरमल जो था वो वित्त मंत्री था बच्चे, ठीक है? वित्त मंत्री। 43 है कि आईने अकबरी में अकबर में किसके शासन का वर्णन है? तो भाई आईने अकबरी में तो अकबर का, ये प्रश्न बोलते समय ही आंसर निकल गया कि आईने अकबरी में तो अकबर के शासन का वर्णन है, ठीक है? अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, ठीक है? और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी, और इल्तुतमिश के समय जो है ये क्या हुआ था, ये पूरा करवाया गया था, ठीक है? तो दिल्ली में, इसे याद रखेंगे। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसे जरा आप लोग भी देख लेना, ये हुमायूं नामा की जो रचना हुई थी ये गुलबदन, मतलब कि हम पढ़ सकते हैं कि हुमायूं की जो बहन थी, ठीक है? हम आगे आगे ये प्रश्न आया हुआ है, हम उसे देख लेंगे। तो ये हुमायूं की बहन थी, उन्हीं ने लिखा है हुमायूं नामा, और हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था, ठीक है? तो इसको हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये A.S. बेवरिज ने किया था, ठीक है बच्चे? आप लोग भी जरा देख लीजिएगा कि A.S. बेवरिज ने इस हुमायूं नामा की क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है? अब 46 नंबर कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, ठीक है? तो मुगल दरबार में अभिवादन का जो तरीका था, देखिए पहले हम बात करते हैं कि सिजदा की बात करते हैं, तो देखिए मैं कैसे बता दूं कि सिजदा का होता कैसे था, अभिवादन सिजदा में कैसे किया जाता था, कि घुटने के बल बैठ जाता था, ठीक है? और अपने जो सर है उसको झुकाया जाता था, ये सिजदा में होता था। इस तरह से अभिवादन सिजदा में किया जाता था। और पायोबोस में क्या होता था ना, कि घुटने के बल बैठ कर राजा के पैरों को चूमा जाता था, ये पायोबोस में अभिवादन करने का तरीका था, ठीक है? मतलब पायोबोस इस तरह से प्रणाली था। और रही बात की जब शाहजहां ने आया तो ये पायबोस को हटा दिया था, ठीक है? और पायबोस को हटाकर और जमी बोस ला दिया था, मतलब कि वो पैरों को ना छूकर जमीन को छूना होता था, ठीक है? और कॉर्निस भी था कि जो अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ और दाएं हाथ को आगे की तरफ करके सलाम किया जाता था। तो ये तीनों था, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी। अब 47 नंबर की अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरुआत किया था? तो भाई अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत 1582 में की थी, ठीक है? लेकिन यहां पर 1582 नहीं है, तो 1581 पर ही हम लगा देंगे, ठीक है? अब 48 नंबर की गुलबदन बेगम कौन थी? तो मैंने पहले ही हुमायूं नामा की चर्चा की थी ना, तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम थी, ठीक है? तो भाई सीधी सी बात है कि हुमायूं नामा के लेखक बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक लेखिका थी, ठीक है? और ये गुलबदन बेगम कौन थी आखिर में? तो ये हम कह सकते हैं कि लेखिका, लेकिन इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये बाबर की बेटी थी, और हुमायूं की कौन थी, ये हुमायूं की बहन लगेंगी, क्योंकि तो बाबर का पुत्र हुमायूं है, ठीक है? तो इस तरह से आप 48 भी लगा सकते हैं। और 49 है मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, ठीक है? तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप जरूर इसे याद रखेंगे कि देखिए अकबर का पुत्र का नाम था जहांगीर, ठीक है? और जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। और जहांगीर जो था अर्थात सलीम जो था वो चित्रकला का बड़ा ही शौकीन था, तो सीधी सी बात है चित्रकला इसी से समय चरमोत्कर्ष पर हुई थी, है ना? अब 50 की बात करते हैं, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए जहांगीरी जो थी वो जहांगीर ने ही लिखी थी, ठीक है बच्चे? तो इस वीडियो में हमने अभी मात्र 50 तक ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भेज दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।